हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के पराठे। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमने 5 से 6 आलू को मैश करके रख दिया है, एक हमने प्याज को कट कर दिया है, थोड़ा सा धनिया, 2-3 लाल हरी मिर्च और जीरा और गरम मसाला, धनिया पाउडर, नमक, लाल मिर्च, हल्दी और ये पिसा हुआ जीरे का पाउडर है। इसमें काले मिर्च भी मैंने भून के रख रखी है, थोड़ी सी अजवाइन और हमें थोड़ा सा देसी घी। अब हम क्या करेंगे, पहले हम इसको आलू को दिया है, इसको थोड़ा सा मेल्ट होने दीजिए, इसको थोड़ा सर्कुलेट कर लीजिए ताकि कहीं पे भी लगे ना। अब हमारे ये थोड़ा सा ये घी गरम हो चुका है, अब हम इसमें ये जीरा डालेंगे। अब ये हम इसमें डालेंगे ऑनियन, अब हम इसको थोड़ा सा ऑनियन को चलाएंगे और इसे लाइट ब्राउन करेंगे। हमें इसे ज्यादा ब्राउन नहीं करना है क्योंकि जब हम पराठा बनाएंगे तब भी सिकते हैं ये। हमने थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दी है, धनिया पाउडर, गरम मसाला और हल्की सी लाल मिर्च, क्योंकि मैंने हरी मिर्च भी कट किए तो मैं लाल मिर्च ज़्यादा नहीं डाल रही। अब इसको थोड़ा चलाएंगे, अब इसी में मैं ये मैश डाल दूंगी। देखिए हमें इसे थोड़ा सा बार बार फोड़ लेना है ताकि ये लगे ना, ज़्यादा नहीं पकाने, सिर्फ हल्के से 1 ही मिनट के लिए। इसी में मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर दूंगी, बाकी मैंने आटा गूंथते टाइम उसमें भी नमक ऐड करा तो मैं ज़्यादा नमक नहीं डालूंगी, आप लोगों की चॉइस है, आप सिर्फ आलू में ही नमक डालना चाहेंगे आटा गूंथते टाइम भी। और कुछ हम ये धनिया स्प्रिंकल कर देंगे, मिक्स कर देंगे सब कुछ। और आपको अब क्या करना है, ये भी ऑप्शनल है मेरे, मैं तो हमेशा अपने घर में काली मिर्च और जीरे को भून के उसका पाउडर बना के रेडी रखती हूँ दही में भी डालने के लिए, इससे खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है। मैं इसमें ये भी ऐड कर रही हूँ, थोड़ी सी अजवाइन भी स्प्रिंकल कर दी मैंने। आप इस तरीके से बना के देखिएगा, या आप एक सेकेंड जो मैं दूसरी रेसिपी का भी डालूंगी वो क्या, आपको सीधे ये आपको थोड़ी सब्जी भी बनानी है, आप डायरेक्ट सिर्फ आलू को बॉईल मैश करके उसके बाद हरे मिर्च ऐड कर देंगे। देखिए मेरा बेटा कह रहा है बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, सर वो किचन में आ गया है। और अब हम इसको एक बार थोड़ा सा वापस से पलट के मैश करेंगे, मिक्स करेंगे सारी चीज़ें, और इसको फिर जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम लोई में स्टफिंग करके तब बनाएंगे। अब मैं इसको बंद कर देती हूँ और 2-3 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, उसके बाद मैं इसको लोई में स्टफिंग करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, ये ठंडा हो चुका है, मैं इसमें और धनिया डालूंगी और इसको एक बार फिर से थोड़ा थोड़ा मैश कर दूंगी। अब हम इसको स्टफिंग करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, तवे को हल्का सा, तवे को गर्म होने दिए, लोई को अच्छे से ड्राई डफ लगा के इसको ना पहले बेल के गया। अब हम इसमें ये मैश आलू का जो ये है हल्की सी हमने फ्राई करे थे, इसको फिर पोटली बनाएंगे और बंद कर देंगे। आलू के पराठे थोड़े मोटे साइज में अच्छे लगते हैं, ज़्यादा स्टफिंग वाले, पतले तो थोड़ी रोटी जैसी फील आती है, तो इसलिए मैं ज़्यादा ही स्टफिंग करती हूँ। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसको स्टफिंग कर सकते हैं। अब हम इसे हल्के हाथ से बेलना है ताकि आपके पराठे फटे ना। बिल्कुल मैंने बेल दिया है, अब मैं इसको हल्के हाथ से उठाऊंगी और तवे पे डाल दूंगी। ये तवा गर्म है, अभी एक साइड से सिक गया है। अब हम इस पर ये देसी घी अप्लाई करेंगे
और फिर इसको पलटेंगे। आप चाहें तो कोई भी ऑयल, रिफाइंड ऑयल, ऑलिव ऑयल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। देसी घी में आलू के पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो मैं यहाँ पे देसी घी यूज़ कर रही हूँ। देखिए बिल्कुल बेहतरीन पराठा बना है। बहुत ही अच्छी, जैसे आलू की टिक्की होती है बिल्कुल वैसी स्मेल आ रही है। बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी। देखिए उसको आप पलटे की हाथ से थोड़ा सा प्रेस कर ले ताकि कोई भी कॉर्नर बचे ना, अच्छे से सिक जाए। देखिए हमारा पहला आलू का पराठा रेडी है। अब हम इसको प्लेट में निकालेंगे और ऐसे ही बाकी के बनाते रहेंगे। अब हमारा सेकेंड पराठा तवे पर जाएगा, हमें अगेन इसकी फिलिंग करनी है, स्टफिंग करनी है। तो आप इसमें प्याज आलू इसकी थोड़ी सी फ्राई करके आप उसका यूज़ कीजिए। तो हम अभी इसे वापस पोटली बंद कर देंगे। अब देखिए आपको वापस से हल्के हाथ से इसको बेलना है। कॉर्नर्स पे ध्यान दीजिएगा ताकि कहीं से मोटे ना रह जाएं, इक्वली साइड तरफ से बेलें। अब इसे उठा के वापस से तवे पे डाल दीजिए। जब एक साइड से सिक जाएगा तब हम उस पर देसी घी अप्लाई करेंगे। देखिए अब हम इसे पलटेंगे, ये एक साइड से सिक चुका है, बिल्कुल बढ़िया सिका है। अब इस पर मैं वापस से ये देसी घी अप्लाई करूँगी। देखिए अब ये मैंने अच्छे से अप्लाई कर दिया है, अब इसको पलटूंगी मैं। अब ऐसे ही हम बैक साइड पे भी देसी घी को अप्लाई करेंगे। आप ये खाइए पराठे जरूर, लेकिन उतनी एक्सरसाइज कीजिए ताकि आपकी हेल्थ पे कोई इशू ना हो। तभी तो हमने अपने चैनल का नाम रखा है हिट एंड फिट बायलॉस। हम सब कुछ खाते हैं और फिर उतनी एक्सरसाइज करके अपनी एक्स्ट्रा कैलोरीज को बर्न कर लेते हैं। देखिए कितना बेहतरीन बड़ा सा अच्छा स्टफिंग वाला आलू का पराठा बना है। ऐसे पुदीने के पराठे भी बनाती हूँ मैं, तो अब नेक्स्ट टाइम मैं पुदीने के पराठे की वीडियो बनाऊँगी, आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। देखिए हमारा सेकेंड पराठा भी बन के रेडी है। अब हम उसको प्लेट में निकालेंगे और दही और हरी चटनी के साथ ही, आप मेरी जो हरी चटनी मैंने बनाई है उसकी वीडियो को भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, ये रही हरी चटनी। और साथ में हम लेंगे इसमें कर्ड, कर्ड हरी चटनी और आलू के पराठे। बिल्कुल ज़बरदस्त जायका बैठेगा और बड़ा मज़ा आएगा खाने में। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और हमारी वीडियोस को देखते रहेगा। थैंक यू सो मच। देखिए हमारी फाइनल प्लेट रेडी है। हमने दही ली है अच्छी खासी और हरी चटनी और देसी घी और आलू के पराठे। अब हम इसे एंजॉय करेंगे। आप लोग भी घर पे ट्राई कीजिएगा, बनाएगा और अपने कमेंट्स रिव्यू देते रहेगा और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।